आप लोग से संभव है तो इस चित्र को बनाइए, समझे? चित्र बनाएगा कोई? सेब बना रही है तो ठीक है, नहीं बना तो आज जो हम लोग को पढ़ना है हिंदी पाठ पुस्तक 5 क्लास का अध्याय 12 कविता का कमाल, कविता का कमाल। और कविता के कमाल को पढ़ने के पहले हम थोड़ा शब्दार्थ को समझ लेते हैं। डुगडुगी पीटना, ढोल बजाना, डुगडुगी पीटना, काम तमाम कर देना, निश्चिंत हो जाना, मन में लड्डू फूटना, आलो माल हो जाना, हक्का बक्का हो जाना, हैरान हो जाना, असरफियां, पुराने जमाने का पैसा होता चांदी का सिक्का, उसी को बोलते हैं असरफियां। क्या बोलते हैं? चाहे दादी उदी रखती है। फिर है चौकन्ना होना, क्या होना? चौकन्ना मतलब सावधान होना, है ना? तो आप लोग भी जब कोई आते हैं तो चौकन्ने हो जाते हैं ना, सावधान हो जाते हैं ना। तो आज जो हम लोग पढ़ेंगे कविता को कमाल को, है ना? Yes, देखिए कविता का कमाल जो है आफी जैसा लड़का का है, लड़का का है, है ना? Yes, और ध्यान पूर्वक जब कविता को सुनिएगा तो देखिएगा कि जो मदन था कैसे अपने कविता को कमाल दिखाकर ढेर सारी असरफियां जो है कमाया, और जो गरीब था वो अमीर बन जाता, गरीब से अमीर बन जाता। बहुत पुरानी बात, बहुत पुरानी बात। एक गांव में मदन नाम का एक लड़का अपने विधवा माँ के साथ रहता था। विधवा माँ मतलब उनके पिताजी मर गए थे, मदन ही था और उनका मदन का माँ था। मदन जो है बड़ा हो गया था, फिर भी कुछ काम धंधा घर पे नहीं करता था। माँ जब कमाता तो मदन खाता था। धीरे धीरे क्या हुआ कि माँ भी बूढ़ी हो गई, माँ भी बूढ़ी हो गई और कमाने लायक नहीं रही। तो एक दिन मदन के माँ ने मदन से कहा कि देखो मदन, अब जो है हम खुद बूढ़ी हो गई हूं और तुम्हारा भी भरण पोषण हम कैसे करें? अब जब तक नहीं कमाएगा तो पेट नहीं चलेगा, घर का गुजारा नहीं होगा। तो मदन ने जब अपनी माँ की बात को सुना तो मदन घर से निकल गया, मदन घर से लेकिन निकल गया मदन घर से तो अब सोच रहा था कि हम करें क्या, मेरे पास एक पैसा ही भी नहीं है, मैं कैसे कमाऊंगा, कहां काम करूंगा। कि मदन जब सोचते सोचते कुछ दूर बढ़ा गांव से आगे तो एक रास्ते में जो हो की आवाज सुनाई दी, मदन ने चौंक पड़ा। सुनो सुनो सुनो, राज दरबार में कवि सम्मेलन है। मदन ने सोचा इससे अच्छा मौका क्या हो सकता है, क्यों न चले राज सम्मेलन में कविता सुनाए और पैसा कमाए, कविता बनाना। और यहीं से तो मदन ने सोचा कि ठीक है कविता बनाना शुरू करता हूं। तो कहा कुत्ता को जो खोद रहा था जमीन को, तो कह रहा खुदूर खुदूर का खोदते है, खुदूर खुदूर का खोदते है। ऐसे करते करते वह आगे बढ़ रहा था, देखा कि एक पंक्ति हो गया
खुदुर खुदुर का खोदे थे, खुदुर खुदुर का खोते थे, मन में करते ऐसी मदन। फिर क्या गया, आगे बढ़ते चला गया, है ना, आगे बढ़ते चला गया। फिर आगे बढ़ते गया तो देखा कि एक भैंस जो है तालाब में पानी पी रहा था। भैंस आप लोग देखे हैं ना, तो तालाब में पानी पी रहा था। तो कहा कि ठीक है, खुदूर खुदूर का खोए थे, फिर गो कहा कि सुरूर सुरूर का पीवैत हैं, सुरूर सुरूर का पीवैत हैं। तो दूसरा लाइन भी बना लिया कविता का, सुरूर सुरूर का पीवैत हैं, सुरूर सुरूर का पीवैत हैं। फिर उड़ते हुए कविता को आगे बढ़ते चला गया। जब आगे बढ़ते हुए गया तो मदन को एक पेड़ देखे है ना, पेड़ के डाली पर बैठ के एक चिड़िया ऐसे ऐसे देख रहा था। तो कहा कि एक लाइन इसको भी बना लेते हैं, ताक झांक का करे थे, ताक झांक का करे थे। आगे बढ़ते गया, तीन लाइन हो गया ना, लाइन अपने से बना दिया। हम जाने थी तू ढूंढे थे, हम जाने थी तू ढूंढे थे, फिर हम जाने थी तू ढूंढे थे। फिर वहां से मदन आगे बढ़ते जा रहा था तो रास्ते में एक सांप दिखाई दिया और सड़क कर सांप भाग रहा था। मदन ने कड़ाक से लाठी निकाला और सांप को काम तमाम कर दिया, सांप को काम है ना मार दिया, है ना काम तमाम कर दिया। अब तो उसको लगा कि अब तो पूरा हम कविता बना के तैयार कर लिए। धीरे धीरे उसको मन में अब लड्डू फूटने लगा, मतलब अपने आप खुश होने लगा, है ना। तब तो जोड़ लिया कविता के लाइन में, ताक झांक तू करे थे, हम जाने थी तू ढूंढे थे, और उसमें फिर जोड़ दिया कि सड़क सड़क तू भागे थी, जाने थे हम देखे थी, जाने थे हम देखे थी। अब तैयार हो गया, फिर मदन आगे बढ़ते गया। अब जो है मदन जो है राजमहल के नजदीक पहुंच गया, राजा के दरबार के नजदीक पहुंच गया। लेकिन मदन को राज दरबार का रास्ता मालूम नहीं था, तो उसे मदन को दो आदमी दिखाई दिया। तो मदन ने पूछा कि ए भाई, आपको राज दरबार का रास्ता मालूम है? तो आदमी बोला, क्यों नहीं मालूम होगा, हमें तो मालूम है। तो मदन समझ गया कि लगता है ये दो आदमी दोनों हैं राज दरबार का कोई ना कोई व्यक्ति है, राज दरबार का, है ना। तो कहा कि भाई आपका नाम क्या है? तब बताया, धनुषा शाह भाई, धनुषा शाह। मदन ने सोचा कि कितना बढ़िया नाम है, धनुषा शाह भाई भानुषा सा। तो कहा कि क्यों ना अपने कविता में इसको हम मिला ले, शामिल कर ले। तो मदन ने वो दोनों का नाम को भी धानुषा सा भाई, भानुषा सा भाई का नाम को भी शामिल हो गया। अब पूरा कविता बन के तैयार हो गया। अब जब कविता राजा ने सुना मदन का, अब राजा भी कविता को रटने लगने लगा। सब आदमी लगा कि मदन ने ऐसा कविता सुनाया, सबको दिमाग में बैठ गया। राजा को भी दिमाग में कविता मदन का बैठ गया। सम्मेलन समाप्त हो गया, है ना। राजा को रात भर नींद नहीं आया। तो मदन का कविता सुना ना, ऐसा कमाल का कविता था कि राजा को नींद को भी हराम कर दिया। जब राजा छज्जा पर टहल रहे थे, कविता गुनगुना रहे थे, खुदुर खुदुर का खोए थे, खुदुर खुदुर का खोदे थे, उसी समय
राज दरबार में चोर घुसा हुआ, चोर घुसा हुआ था और वो चोर ही था। धनुषा सा भाई भानुषा सा, जब चोर घुसा हुआ था तो वो सेंध खन रहा था। क्या कर रहा था? दीवाल में सेंध खन रहा था, खंती से चोरवा घुसेला राज दरबार में। और राजा जब गा रहा था, खुदूर खुदूर का खोवे थे, खुदूर खुदूर का खोदे थे, तो चोरवा को सुनाई दे दिया कि लगता है कि कोई देख रहा है, लगता है कि कोई देख रहा है। अब तो खोद रहा था, डर गया, अब कुछ देरी रुक गया। और जब खोदा नहीं रहा था, अब उसको डर गया हूं, अब डर गया तो लगा कि अब तो हमको प्राण नहीं बचेगा। राजा जो है देखा, अब डर के मारे दोनों जो चोर था, धनुषा सा भाई और भानुषा सा, वो कहां गया? राज दरबार में जाके राजा को पैर पकड़ लिया, कहा कि हमें मालिक माफ कर दीजिए, हमसे गलती हो गया। अब जब राजा का इस तरह से जो था खजाना जो है लूटने से बच गया, धन संपत्ति राजा का लूट से बच गया, तो यह किसका कमाल था? मदन के कविता का कमाल था ना। अगर मदन का कविता सम्मेलन में नहीं होता तो राजा जो है का नींद हराम होता। और राजा का नींद हराम हो गया और छज्जा पर कविता गा रहे थे और दम सटीक जो है उस चोर पर बैठते जा रहा था। जैसे जैसे चोर सेंध खन रहा था, पानी पी रहा था, उन्होंने ताक रहा था, भाग रहा था, सब फिट बैठ गया और चोर का क्या हो गया, एकदम चोरी पकड़ा गया। इस तरह राजा का खजाना बच गया। मदन को बुलाया और राजा ने खुश होकर ढेर सारी अशर्फियां सोने चांदी का क्या दिया, पैसा। और अब क्या हो गया, राजा ने जो पैसा दिया तो मदन क्या हो गया, मालो माल, क्या हो गया, और राजा गया। अब उसको इनाम देने के बाद मदन जो है कहां चला गया, अपने घर गया। और फिर जब गया घर तो पैसा था ही, बढ़िया घर बनाया, अपने बूढ़ी माता पिता रहने लगा और सुख का जीवन जीने लगा। इस कविता से आप लोग को भी सीख लेनी है, इस कविता से क्या है, आप लोग को भी सीख लेनी है ना, कि मदन ने एक कविता बनाया और अपने कविता का ऐसा कमाल किया कि वो मालोमाल हो गया। तो आप भी बच्चे हैं, आप कविता कहानी पढ़ते हैं, आप भी अपने मन से कविता और कहानी रचिए। जब आप रचिएगा तो आप भी क्या हो जाइएगा, मदन जैसा ना हो जाइएगा, तो जोरदार ताली बजाइए। तो चलिए आप लोग भी मदन जैसा बनिएगा ना, कविता गा के आप लोग भी कमाल करिएगा ना। तो चलिए मदन के कविता के कमाल के साथ आप लोग को भी मदन जैसा बनना है एक लड़का, और जोरदार ताली से समाप्त करिए। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।